नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयोध्या नगरी में राम जी पधार चुके हैं, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 जनवरी 2024 का राशिफल लेकर मैं आपके समक्ष हूं। सूर्योदय होगा 7:09 पर, सूर्यास्त होगा 5:29 पर। तिथि है शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, योग है इंद्रवार मंगलवार, चंद्र राशि मिथुन अभिजीत मुहूर्त 12:10 PM से 12:53 PM और राहुकाल 3:12 PM से 4:31 PM तक। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो ढेर ढेर शुभकामनाएं। और मेष राशि की बात करते हैं, आप थकान और आलस के शिकार होंगे, आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके द्वारा लिया गया हर एक कठिन निर्णय आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा, जीवन साथी से रिश्ते मधुर बने रहेंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहेंगे। वृषभ राशि, आज आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो मुश्किल होंगे, यात्राएं छोटी हो सकती है, आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, स्वास्थ्य के प्रति सावधान है, आप कोई घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे स्थगित कर दे, आपके संबंध आपके जीवन साथी से विवादग्रस्त हो सकते हैं। मिथुन राशि, आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, निश्चित रूप से समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यापारियों को निश्चित रूप से अधिक लाभ होने की संभावना है, सट्टेबाजी शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, आत्मनिर्भर होंगे, कुल मिलाकर सभी के लिए प्रसन्नतादायक दिन है, महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर ही लें। कर्क राशि, आपका व्यय आपकी आय से अधिक होगा, व्यर्थ के धनखर्च से बचिएगा वरना आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, छोटे भाई बहन से आपकी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकती है, जीवन साथी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, स्वयं पर नियंत्रण रखिए, व्यर्थ के वाद विवाद से बचिए, आपके घर का वातावरण प्रभावित हो सकता है, स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, धन का निवेश सोच समझ कर करें। सिंह राशि, आपका खर्चा बढ़ेगा, आज के दिन आपकी आय और व्यापार के लिए सामान्य रहने वाला है, प्रेम संबंध में निश्चित रूप से सुधार होगा, लंबी यात्राएं रद्द होंगी, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके सहपाठी आपकी पढ़ाई लिखाई में सहायता कर सकते हैं, यदि आप घर खरीदने की कोई योजना बना रहे हैं तो इसे स्थगित कर दे, कोई भी बड़ा निवेश बिना सोचे समझे ना करें। कन्या राशि, आपकी कार्य स्थिति बेहतर रहेगी, चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का साथ मिलेगा जो आपकी कार्य स्थिति को सुधार सकते हैं, आपको बहुत सारे कामों से मुक्ति मिलने वाली है, बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है, माता जी की सेहत का समुचित ध्यान रखिए, विद्यार्थी अध्ययन कार्य में एकाग्रचित होंगे, आप अपने जीवन साथी के नाम पर संपत्ति पा सकते हैं, जीवन साथी की तरक्की हो सकती है, आप सभी कार्यों में व्यस्त रहेंगे, रोमांटिक मूड में रहेंगे, जीवन साथी के साथ आनंदित रहेंगे। तुला राशि, आपके लिए दिन शुभ रहेगा, उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे, भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा, आप जीवन साथी से रिश्ते ना बिगाड़े, आज का दिन कड़वाहट का हो सकता है रिश्तों के लिए, आज की कड़वाहट आगे जाकर और परेशानी पैदा करेगी, तो जल्दी से अपने विवादों को निपटा लें, संतान की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, कुछ मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी। वृश्चिक राशि, वाहन चलाते समय, सड़क पर चलते समय, हर कार्य को करते समय सतर्क रहें, आज का दिन धन का निवेश करने के लिए शुभ नहीं है, जीवन साथी से तालमेल बनाए रखें, कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है, अनावश्यक वाद विवाद से बचे, अशुभ समाचार के मिलने से निराशा हो सकती है, प्रेम संबंध में आज का दिन सामान्य रहेगा। धनु राशि, आज का दिन जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम, निश्चित रूप से आपको एक दूसरे का सहयोग मिलेगा, आप थोड़ा रोमांटिक मूड में भी होंगे, व्यापारियों को नया साझेदार मिल सकता है, यह समय जमा पूंजी बढ़ाने के लिए अच्छा है, परंतु सट्टेबाजी में निवेश करना शुभ नहीं है, आप एक दूसरे का स्वागत करें, स्वास्थ्य का आनंद लें, खाने पीने का आनंद लें, व्यायाम भी करें, अपच से बचना होगा, महिलाओं के लिए दिन ठीक है। मकर राशि, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है, नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में भाग लेंगे, व्यापारी लोग व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे, खेल कूद से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। कुंभ राशि, आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है, नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता उत्साह बना रहेगा, किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग ले सकते हैं, व्यापारी लोग अपने व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे, खिलाड़ी लोग खेल कूद में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मीन राशि, आज का दिन तनाव और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए अच्छा है, परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे, किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में भाग ले सकते हैं, कोई नया वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं, माता पिता से धन प्राप्ति के योग हैं, आपके संबंध आपकी माता जी से शुभ बने हुए, जमा पूंजी बढ़ेगी, दिन बेहतर है। हनुमान जी की उपासना करिए, शिव जी की उपासना करिए, राम जी की उपासना करिए, दिन बहुत ही अच्छा है, आज के दिन को आप आनंद में बिताइए, यही सबसे बड़ी बात है, अपने दुखों को भूलिए, अपनी परेशानियों को भूलिए और राम की भक्ति में लीन हो जाइए, सबसे बढ़िया दिन है। अब हम आपको बताते हैं कि मंगलवार का व्रत रखने के फायदे क्या होते हैं। देखिए, जो भी लोग शनि पीड़ा से पीड़ित हैं किसी भी प्रकार से, वो लोग मंगलवार का व्रत रखें, आपके शनि से संबंधित, राहु केतु से संबंधित मामले हल हो जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं उनकी जिनके पास जन्म कुंडली है लेकिन उन्होंने कभी दिखाई नहीं, और बात करते हैं उनकी जिनके पास जन्म कुंडली है ही नहीं। बिना जन्म कुंडली की आपका जीवन अधूरा है, आप क्या खो सकते हैं, क्या पा सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली से आइए जानते हैं। आप परेशान हैं, किस बात से परेशान हैं? नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, प्रमोशन नहीं हो रही है, कैसे अपने घर परिवार को चला पाऊंगा, कैसे अपने जीवन में सफल बन पाऊंगा, मैं क्या करूं,
मैं मेहनत करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ या लगी रहती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रही जो मुझे करना है। आपकी कोशिशें तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक आपकी जन्म कुंडली का हर एक सितारा आपका साथ ना दे। मैं साल 2024 में आपको ये गारंटी देता हूँ कि आप अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। मैं और मेरी पूरी टीम आपकी जन्म कुंडली के हर अशुभ ग्रह को जांचेंगे, परखेंगे और सरल उपाय बताएंगे जिसको एक सामान्य व्यक्ति घर बैठे कर सकता है। कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं चाहता हूं आप हमसे मिलने के बाद हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ही छिपा है आपकी मुस्कुराहट का राज। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद दुखी नहीं रहेंगे क्योंकि आपका बुरा वक्त चला गया है। मिलाइए फोन, करिए अपनी अपॉइंटमेंट बुक और जीवन में लाइए अनेक मुस्कुराहट, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे तो आपके साथ साथ आपका परिवार मुस्कुराएगा। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के बारे में सोचिए तो अपने सितारों को मजबूत कराना आपका परम कर्तव्य, और हमारी ये गारंटी है कि हम आपको दुखी नहीं रहने देंगे। अब अगला काम आपका है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने का।